नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ, जय माँ मंगला। मैं संध्या, मैं स्वागत कर रही हूँ मेरी किचन संध्या किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पतली सेवई के खीर। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करके मैं आपको सिखाती हूँ पतली सेवई का खीर। तो फ्रेंड्स, मैं इधर ली हूँ पतली सेवई 100 ग्राम। ये एक पैकेट 100 ग्राम का आता है 10 रुपये में। आप इसको सफ़ेद या फिर ब्राउन कलर कोई भी ले सकते हो। और इधर मैंने ली हूँ अमूल की देसी घी। अगर आपके पास गाय का प्योर घी होगा तो सबसे अच्छा होगा। और मैंने इधर 50 ml अमूल देसी घी ली हूँ। और उसके साथ 30 ग्राम मैंने ली हूँ अमूल पाउडर। और शक्कर मैंने ली हूँ मिठास के हिसाब से। और इधर मैंने नमक ली हूँ टेस्ट के हिसाब से, नमक ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, पर नमक डालेंगे तो खीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ मैंने इधर ली हूँ 1 लीटर मैंने ली हूँ फुल फैट दूध। और उसके अंदर मैं डाली हूँ 1.5 कटोरी पानी। और इधर मैं ली हूँ द्राक्षा यानी कि किशमिश में ली हूँ 1/2 कटोरी, जिसको मैंने कट करके पानी में 15 मिनट पहले भिगो के रख दी हूँ। और उसके साथ मैं ली हूँ इधर काजू और चारोली, या फिर चारोली को आप चिरौंजी भी बोलते हैं। तो इस दोनों को मैंने कट करके 1 कटोरी में रख ली हूँ, वो भी मैंने 1/2 कटोरी ली हूँ। और इसके साथ मैंने ली हूँ 5 से 6 इलायची, जिसको मैंने कूट के छिलके के साथ रखी हूँ। तो चलिए अभी हम सेमी भूनते हैं। तो इसीलिए मैंने सेवई को क्या की हूँ, हाथों में टुकड़ा टुकड़ा कर ली हूँ। तो देखिए, अभी मैंने घी 1 चम्मच डाल दी हूँ और घी भी अच्छे से गर्म हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस की आँच को पूरा धीमे पे रख के उसके सेवई को डाल के उसको हम भून लेंगे। और उसको अभी हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, वो भी धीमी आंच में, नहीं तो क्या होगा ना, सेवई हमारा जल जाएगा। उसको हम ऐसा मिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। तो देखिए अभी हमारा 3 से 4 मिनट में पक गया है अच्छे से, तो यानी कि भून गया है अच्छे से। तो इसीलिए मैंने उसको थाली में निकाल दी हूँ। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1.5 चम्मच मैं अभी इसके अंदर घी डाल दी हूँ। और इसके अंदर मैंने भिगो के रखा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ। आप चाहे तो इसके जगह आप पिस्ता भी ले सकते हैं या फिर बादाम भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने उसको 1 मिनट भूनने के बाद मैंने उसके बाद किशमिश को डाल दी हूँ। और इसको भी हम ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अभी हम क्या करेंगे, दूध गर्म होने के लिए रख देंगे। तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दी हूँ और दूध में अभी उबल भी आ गया है और मेरे भी गैस की आंच मीडियम हाई पे है। तो दूध को इसे उबालते हुए, जब उसका उबलना स्टार्ट होगा उससे 5 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर डाली मिठास के हिसाब से शक्कर डाली हूँ। मैं 1.5 कटोरी इधर शक्कर डाल दी हूँ और टेस्ट के हिसाब से मैंने इधर नमक डाली हूँ, यानी कि मैंने इधर 2 से 3 पिंच ही नमक डाली हूँ। अभी वो मेल्ट होने के बाद 2 से 3 मिनट जब दूध हमारा उबल जाएगा, उस भुने हुए सेवई को इसके अंदर डाल के उसको हम गैस के आंच को मीडियम हाई पर रख के उसको 3 मिनट के लिए पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके साथ अभी हम उसके अंदर डाल लेंगे इलायची को। मैं छिलके के साथ इलायची को डाल रही हूँ, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम उसको अच्छे से पकाते हुए 3 मिनट हो गया। तो अभी हम उसके अंदर भुन के रखा हुआ ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर डालेंगे और अभी हम फिर से उसको 3 मिनट के लिए पका लेंगे, यानी कि 6 मिनट हमारा ये पकेगा, इससे ज़्यादा हम उसको नहीं पकाएंगे। तो देखिए धीमी आंच में है हमारा, 6 मिनट तक पक गया है। तो अभी मैंने गैस ऑफ कर दी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी गैस मैंने ऑफ कर ली हूँ। अभी हम इसके अंदर डालेंगे अमूल का पाउडर। तो उसको अभी हम क्या करेंगे, ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख लेंगे। 2-3 मिनट के बाद अभी हम उसके अंदर क्या करेंगे, 1 बर्तन में 1 कटोरी मैंने पानी ली हूँ और इसको मैंने अभी धीमी आंच से गैस की फ्लेम को रख के बिठा दी हूँ। और पानी अभी हल्का गर्म हो गया है, तो अभी हम इसके अंदर अमूल पाउडर डालेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें गाढ़ा ना रहे। तो देखिए अभी अच्छे से मेल्ट हो गए और थोड़ा उसमें उबल आ गया है। तो उसको मैंने अभी 1 मिनट के लिए पकाई हूँ। अभी हम उसको डायरेक्ट खीर में डाल लेंगे और उसको अभी हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप इधर मिल्क में डालना चाहते हैं तो आप अमूल पाउडर को ना डालेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा हो गया है पतली सेवई का यम्मी यम्मी खीर, अभी बिल्कुल रेडी है। देखिए अभी मैं उसको 1 कटोरी में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो खीर इस तरह से मोटा हो जाएगा।
देखिए अभी हमारा पतली सेवाई बनकर बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स आप ये घर में ज़रूर बनाएं, और कैसा लगा आपका अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।